हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे CSA T20 चैलेंज 2022 के 13th और 14th मैच के बारे में। इसका 13th मैच टाइटंस वर्सेस डॉल्फिन्स के बीच है और इस मैच को आप आज दोपहर के 1:30 बजे से देख सकते हैं फ्रेंड्स फैनकोड ऐप में भारतीय समय अनुसार। और ये दोनों मैचेस पोर्ट एलिजाबेथ के सेंट जॉर्ज पार्क में खेले जाने वाले हैं। पिच की बात की जाए तो पिच बैलेंस्ड है, फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 150 प्लस देख सकते हैं। वेदर की बात की जाए तो हल्के बारिश होने की संभावना है, टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो टॉस विनर या मैच विनर में कोई भी चेंजेस करना होगा तो आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो भी लीग चल रही है फ्रेंड्स, उसकी भी प्रिडिक्शन आपको टेलीग्राम पे ही दी जाती है। तो सोचिए मत और जल्दी से ज्वाइन कीजिए मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिलेगा। अब अगर टाइटंस के पिछले 5 मैचेस की बात की जाए फ्रेंड्स, तो 3 मैचेस में जीत हुई है, 2 मैचेस में हार हुई है। वहीं डॉल्फिन्स के पिछले 5 मैचेस को देखा जाए तो 2 मैचेस में हार हुई है, 3 मैचेस में जीत हुई है। अब अगर इनके बीच खेले गए 5 हेड टू हेड मैचेस की बात की जाए फ्रेंड्स, तो 3 बार डॉल्फिन्स की जीत हुई है, 2 बार टाइटंस की जीत हुई है। और अगर पॉइंट्स टेबल की बात की जाए फ्रेंड्स, तो पॉइंट्स टेबल पे डॉल्फिन थर्ड पोजीशन पे 8 पॉइंट्स के साथ हैं, 3 मैचेस खेले हैं, 2 मैचेस में जीत हुई है। वहीं टाइटंस पॉइंट्स टेबल पे 4th पोजीशन पे 8 पॉइंट्स के साथ हैं, 3 मैचेस खेले हैं, 2 मैचेस में जीत हुई है। तो दोनों ही टीम्स अभी तक 2 मैचेस में जीत हासिल की है फ्रेंड्स। दोनों टीम्स का प्लेइंग 11 आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अब अगर मैच विनर की बात की जाए फ्रेंड्स, तो दोनों टीम्स को कंपेयर करने पे आज के इस CSA T20 चैलेंज के 13th मैच में टाइटंस के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। बात करते हैं इसके 14th मैच के बारे में फ्रेंड्स, जो कि नाइट्स वर्सेस वॉरियर्स के बीच है और इस मैच को आप आज शाम के 6 बजे से देख सकते हैं फ्रेंड्स फैनकोड ऐप में भारतीय समय अनुसार। अब अगर नाइट्स के पिछले 5 मैचेस की बात की जाए फ्रेंड्स, तो 4 मैचेस में हार हुई है, 1 मैच में जीत हुई है। वहीं वॉरियर्स के पिछले 5 मैचेस को देखा जाए तो 2 मैचेस में जीत हुई है, 3 मैचेस में हार हुई है। और अगर इनके बीच खेले गए 5 हेड टू हेड मैचेस की बात की जाए फ्रेंड्स, तो 3 बार वॉरियर्स की जीत हुई है, 2 बार नाइट्स की जीत हुई है। और अगर पॉइंट्स टेबल की बात की जाए फ्रेंड्स, तो पॉइंट्स टेबल पे वॉरियर्स 7th पोजीशन पे 4 पॉइंट्स के साथ हैं, 3 मैचेस खेले हैं, 1 मैच में जीत हुई है। वहीं नाइट्स पॉइंट्स टेबल पे 8th पोजीशन पे 0 पॉइंट्स के साथ हैं, 3 मैचेस खेले हैं, 1 भी मैच में जीत नहीं हो पाई है। तो पॉइंट्स टेबल के अकॉर्डिंग वॉरियर्स आगे है फ्रेंड्स। दोनों टीम्स का प्लेइंग 11 आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा फ्रेंड्स। अब अगर मैच विनर की बात की जाए, तो दोनों टीम्स को कंपेयर करने पे आज के इस CSA T20 चैलेंज के 14th मैच में वॉरियर्स के जीतने के चांसेस मेरे अनुसार ज़्यादा हैं। आपकी क्या थिंकिंग है फ्रेंड्स इस 13th और 14th मैच को लेकर? आपके अनुसार कौन सी टीम जीत सकती है? आप अपनी राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोनों मैच का जो फाइनल प्रेडिक्शन है फ्रेंड्स, वो टेलीग्राम पे ही दिया जाएगा। तो सोचिए मत और जल्दी से ज्वाइन कीजिए मेरा टेलीग्राम चैनल, ये बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स, और लिंक आपको वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें फ्रेंड्स। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।